अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ वेब डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंट्रोडक्शन टू HTML। हमने ये रिड्यूस कोर्स में से दूसरा टॉपिक हमें दिया हुआ है, इसमें इंट्रोडक्शन टू HTML। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस दैट आर डिस्प्ले बाय वेब ब्राउजर मेनली ऑन इंटरनेट। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये वो लैंग्वेज है जिससे हम लोग वेब पेज बनाते हैं और जो डिस्प्ले होता है वेब ब्राउजर के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML क्या होता है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यानी हम लोग इससे एक वेब पेज बना रहे हैं, यानी लैंग्वेज है हमारे पास ये। It allows user to create a structure, content by adding heading, paragraph, links, block quotes and other media. इससे हम लोग एक structure बनाते हैं। जैसे हम लोग word के अंदर या books के अंदर हमारे पास headings होती हैं, copies के अंदर हमारे पास heading, then questions, then उसके answers, और अगर answer में हमारे पास options होते हैं तो किस तरह से हैं। तो first of all हमारे पास कोई हम लोग website के अंदर हम लोग heading add करते हैं, हमारे पास पैराग्राफ हो सकता है, हम लिंक्स एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करना, जिसको हम लोग जिसका फंक्शन है हमारे पास हाइपर लिंक, यानी एक पेज को दूसरे पेज के साथ आपने कनेक्ट कर लिया है। ब्लॉक कोट्स क्या होते हैं हमारे पास, यानी कुछ हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ कोटेशंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक कोट्स, या अदर मीडिया सोर्सेस लाइक हमारे पास कोई भी इमेज हो सकती है या ऑडियो या वीडियो हमारे पास हो सकता है। इट टेक्स एडवांटेज ऑफ सिंपल कोड स्ट्रक्चर कॉल्ड टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, टोटल हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट दो की बात करते हैं हम लोग जिसमें बात की है। पहला हमारे पास टैग, HTML के अंदर हमारे पास टैग्स स्टार्टिंग होते हैं हमारे पास, यानी जो भी हमारे पास कोडिंग स्टार्ट होगी वो हमारे पास HTML के टैग्स के साथ होगी, यानी हमारे पास कुछ टैग्स होंगे, फिर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स, यानी उस एट्रीब्यूट का मतलब है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और प्रॉपर्टीज में भी कुछ वैल्यूज होती हैं, यानी हमारे पास तीन चीज़ें होंगी, रिमेंबर दैट, फर्स्ट टैग्स, देन एट्रीब्यूट और उसके बाद कुछ वैल्यूज। उससे हमारे पास चीज़ें आपको ग्राफिकली या आपकी एक प्रॉपर तरीके से वेब ब्राउजर के ऊपर नज़र आ रहा होता है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन क्रिएटिंग वेब पेज इन HTML। नाउ अब हम बात करेंगे इसका सेकेंड टॉपिक है इसमें, थर्ड टॉपिक हमारे पास टोटल, कि किस तरह से हम लोग एक वेब पेज को क्रिएट करेंगे थ्रू HTML के जरिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग अ सिंपल वेब पेज यूजिंग HTML इज़ वेरी ईजी। ये बहुत ईजी होता है कि हम लोग कोई भी HTML पेज आराम से बना सकें। अब इट रिक्वायर्स अ टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा एडिटर जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखोगे, या हम लोग सपोज करेंगे हम लोग कोई भी हम लोग टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं जिसमें हम लोग टेक्स्ट लिखोगे, यानी कोडिंग लिख रहे हैं हम लोग। इसमें टेक्स्ट एडिटर में हम लोग जो डिफॉल्ट यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड द नोट पैड। हम लोग नोट पैड पर ये काम करेंगे, यानी जितनी भी कोडिंग लिखी जाएंगी वो नोट पैड पर लिखी जाएंगी। अब फाइल एक्सटेंशन, अब हमारे पास दो किस्म के फाइल एक्सटेंशन यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल .html या .htm हम लोग यूज़ करेंगे। एक्सटेंशन का मतलब है यानी कौन से एक्सटेंशन के अंदर आप लोग सेव कर रहे हो, यानी आपकी वो फाइल किस सॉफ्टवेयर से आपकी ओपन होगी। एन अ वेब ब्राउज़र टू व्यू द वेब पेज, यानी वेब ब्राउज़र के अंदर वो आपकी आपका पेज डिस्प्ले हो या कोडिंग डिस्प्ले हो, इसके लिए हम लोग .html इसकी एक्सटेंशन लगाते हैं। नाउ देयर आर द सिक्स स्टेप्स टू क्रिएट अ सिंपल वेब पेज। नंबर वन इज़ टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर सबसे पहले हमारे पास है कि टेक्स्ट एडिटर हमारे पास कौन सा यूज़ किया जाएगा। स्टार्ट बाय सिंपली क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक फाइल इन अ टेक्स्ट एडिटर ऑफ योर चॉइस। हम अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। देखो डिफ़ॉल्ट हमारे पास कोई भी विंडोज़ के अंदर हमारे पास नोट पैड ऑलरेडी होता है हमारे पास, तो हम लोग नोट पैड यूज़ करते हैं। अगर नोट पैड पर समझ में नहीं आता, आप वर्ड पैड पर भी कर सकते हो या फिर MS वर्ड के ऊपर भी कर सकते हो, वो भी एक टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे हम लोग कोडिंग लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोट पैड कैन बी यूज टू स्टार्ट कोडिंग HTML फॉर अ वेब पेज। हम लोग यूज करेंगे नोट पैड। नाउ सेकेंड स्टेप इज राइट HTML कोड इन टेक्स्ट एडिटर। अब
इसका आप प्रैक्टिकल कर लो, अगर आपके पास लैपटॉप्स हैं तो आप इसका प्रैक्टिकल कर लेना बेटा। इसके अंदर आप क्या करोगे, स्टार्ट मेन्यू से नोटपैड आप ओपन करो, ठीक है। नोटपैड जब ओपन होगा तो हम ये जो बेसिक फोर टैग्स हैं हमारे पास, इसमें HTML, टाइटल, हेड, बॉडी, ये हमारे पास चार टैग हैं। तो जिस तरह से कोडिंग लिखी हुई है इस स्लाइड्स के अंदर, आप वो टाइप करो उसको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टैग स्टार्ट होगा HTML का, ठीक है। देन उसके बाद टाइटल स्टार्ट करो, टाइटल के अंदर ग्रेट 9, उसकी बजाय आप अपना नाम भी लिख सकते हो, और टाइटल क्लोज होगा। अब क्लोज कैसे होगा, हमारे पास लेस देन साइन, देन हैश स्लैश आएगा, देन टाइटल और ग्रेटर देन साइन की, ये हमारे पास आपका टैग क्लोज हो जाएगा। अब इसमें आपके इसमें बात नहीं की गई, हमारे पास दो किस्म के टैग्स होंगे, दिस इज़ कॉल्ड द कंटेनर एलिमेंट, ये कंटेनर एलिमेंट है। हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट्स होंगे, दिस इज़ कॉल्ड द कंटेनर एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट वो एलिमेंट जो हमारे पास ओपन हो भी होगा और क्लोज भी होगा। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास स्टार टैग यूज़ किए गए वो ओपन भी हो रहे हैं और क्लोज भी हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास या टैग्स हमारे पास कंटेनर एलिमेंट्स हैं या कंटेनर टैग्स हैं हमारे पास, जो ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। टाइटल जब क्लोज हो जाए उसके बाद आप हेड स्टार्ट करो और हेड क्लोज कर दो, ठीक है। उसके बाद बॉडी स्टार्ट होगी, बॉडी के अंदर आप जो वेलकम टू द माई फर्स्ट पेज लिखा हुआ है आपका, आप उसके अंदर आप अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई भी टेक्स्ट लिखोगे। याद रखना अगर आप एंटर कर रहे हो तो एंटर नहीं होता, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक कोडिंग होती है, तो हम लोग वो कोड लगाते हैं BR टैग का, ब्रेक लाइन का, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। अब देखो जो भी काम करोगे वो बॉडी के अंदर काम कर रहे हो आप, यानी जितना भी काम होगा वो बॉडी के अंदर काम होगा, और फिर बॉडी क्लोज करके HTML क्लोज हो जाएगा। तो ये आपको कोडिंग आपको एक एज अ प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करनी है आपके कंप्यूटर के अंदर। थर्ड स्टेप इज सेव HTML पेज। अब जब आपने ये सारी कोडिंग लिख दी उसके बाद आपको अब पेज को सेव करना है, ठीक है। तो गो टू द फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन सेव। अगर फाइल मेन्यू पे शॉर्टकट कीज के लिए हमारे पास कंट्रोल एस कर दो, जब कंट्रोल एस करोगे तो एक सेव एस डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा, ठीक है। मेक श्योर द प्रोवाइड .html और .html। हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर प्रीवियस में बात किया था कि हम लोग हमारे पास दो किस्म की एक्सटेंशन है, एक .html एंड .htm हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करेंगे .html, ठीक है। जहाँ पे एक फिगर के अंदर आपको सामने दिया हुआ है राइट साइड पे, जिसमें ग्रेड 9 .html लिखा हुआ है, अब ग्रेड 9 की बजाय आप अपना नाम दे के .html लगा के सेव कर दोगे, तो ये आपकी अब डॉक्यूमेंट जो नोट पैड की डॉक्यूमेंट है वो आपकी सेव हो जाएगी, और आप नेक्स्ट टाइम पे आप अगर ओपन करोगे तो वो ब्राउज़र के अंदर ओपन होगी, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें सेव हो गई। लास्ट स्टेप इज व्यू HTML पेज इन द ब्राउज़र। जहाँ पे आपने इस जो नोट पैड की जो आपकी कोडिंग है जो आपने सेव की है, अब उस जगह पे जाके आप उसको ओपन करोगे। तो जब ओपन करोगे तो ये आपका ब्राउज़र के अंदर आपकी ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होगा, जो भी हमने कोडिंग हमने प्रीवियस हमने लिखी वो सारा हमारे पास ब्राउज़र के अंदर ओपन होगा। नाउ ओपन द सेव HTML फाइल इन योर डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होगा उसके अंदर ओपन हो जाएगा। द वेब ब्राउज़र विल ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट HTML कोड्स टू करेक्टली डिस्प्ले द वेब पेज। देखो कोडिंग में अगर कोई एरर नहीं है तो आपका बिल्कुल, जैसे राइट साइड पे आपकी एक फिगर दी है कि हमारे पास ये बिल्कुल पेज ऐसे डिस्प्ले होगा, इसमें आपका लिखा होगा द वेलकम टू द माई फर्स्ट वेब पेज, ये आपका जो बॉडी में लिखा है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। टॉप के ऊपर देखो जहाँ पे ग्रेड 9 लिखा हुआ है ये आपका टाइटल कहलाएगा, ठीक है। जो आपने टाइटल में नाम दिया होगा वो टॉप के ऊपर आपका टाइटल का नेम आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग रखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और फर्दर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आप ये इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा और प्रैक्टिकल करके सॉफ्ट कॉपी में मुझे इसकी फाइल भिजवा दें, या फिर मुझे इसकी कोडिंग आपको मुझे बता दो, ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरह से ये हमारे पास काम हो रहा है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।